तो दोस्तों अमेज़न और फ्लिपकार्ट के अंदर जल्दी सेल स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप अपने लिए कोई सा भी एक स्मार्टफोन 15 से 20 हज़ार की रेंज में खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो पर मैं आपको लगभग 10 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है अंडर 15 to 20,000। तो दोस्तों 15 से 20 हज़ार के रेंज में तो फ़ोन बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो फ़ोन सबसे अच्छे है उन्हीं को ही ढूंढ के निकाला है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, मैं आपका दोस्त और होस्ट टेक गाइड आकाश बोध। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों मैंने इन स्मार्टफोनों को नंबर वाइज रैंक नहीं किया है, सभी स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन है। तो हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से Note 30 5G। इसके अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 5000 mAh बैटरी के साथ, 45 वाट की चार्जिंग, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर जो कि प्राइस की सबसे काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। डुअल स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं JBL के साथ, मतलब ऑडियो क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, साथ ही में हेडफोन जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 128GB के साथ 15,000 रुपये में मिलता है, और 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 16,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं। तो 15,000 की सबसे काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, आप इसे ले सकते हो। और हमारे लिस्ट के दो नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो भी इन्फिनिक्स की तरफ से ही देखने के लिए मिलते हैं। इस स्मार्टफोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है ये हाइलाइटिंग पॉइंट है। इसके अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं 6.78 इंच का फुल HD प्लस LTPS डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर जो कि काफ़ी पावरफुल है, और यही प्रोसेसर को अभी 20 से 22 हज़ार रुपये वाले फ़ोन के अंदर यूज़ किया जा रहा है नाम को चेंज करके। इसके अंदर सिंगल स्पीकर मिलते हैं, हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन है, साथ ही में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका एक ही वेरियंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि सेगमेंट पे सबसे पावरफुल फ़ोन हो तो आप इन्फिनिक्स जीरो 2023 5G को ले सकते हो, काफ़ी पावरफुल फ़ोन है, बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। और हमारे लिस्ट के तीन नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो है टेक्नो पोबा 5 प्रो, जो कि 15,000 के हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बन जाता है। इसके अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 5000 mAh की बैटरी, साथ ही में 68 वाट की चार्जिंग जो कि इस लिस्ट में आपको किसी भी फ़ोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर आपको सबसे ज़्यादा तेज़ इसे चार्ज होने वाला फ़ोन चाहिए तो आप इसे देख सकते हो। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर जो कि 15,000 की हिसाब से काफ़ी पावरफुल है, साथ ही में डुअल स्पीकर मिलता है, DTS HD ऑडियो का सर्टिफिकेशन है, हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है वो आपको 15,000 रुपये में देखने के लिए मिलता है, और इसका जो हायर वेरिएंट है 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट 16,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं। और टेक्नो पोबा 5 प्रो 5G के अंदर आपको RGB LED लाइट भी देखने के लिए मिलते हैं बैक में, तो इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा यूनिक बन जाता है। और हमारे लिस्ट के चार नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी F34, या फिर आप इसे M34 भी कह सकते हो। M34 Amazon के अंदर मिलेगा और F34 फ्लिपकार्ट के अंदर मिलेगा। इसके अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं 6.5 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 6000 mAh की बिग बैटरी, लेकिन चार्जर आपको देखने के लिए नहीं मिलता बॉक्स में, फोन 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एक्जिनोस 1280 का प्रोसेसर जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाते हैं। तो अगर आपको एक बेस्ट कैमरा सेटअप चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को देख सकते हो। इसके अंदर OIS दिया गया है, मतलब फोटोज की क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा, साथ ही में वीडियोग्राफी के अंदर आपको स्टेबल फुटेज देखने के लिए मिलेगा, सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही में हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका दो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और इसका जो दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको सैमसंग की तरफ से कोई सा भी एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना है तो आप इसे देख सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी F34 5G को। और हमारे लिस्ट के पांच नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है रेडमी नोट 12 5G। इसके अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट के चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4th Gen 1 प्रोसेसर जो कि अच्छा प्रोसेसर है प्राइस के हिसाब से, साथ ही में सिंगल स्पीकर, हेडफोन जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका तीन वेरिएंट है। इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आपको 17,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं, और बाकी वेरिएंट की प्राइस आप डिस्प्ले के अंदर देख सकते हो।
तो ये जो Redmi Note 12 5G है ये अच्छा फ़ोन है, लेकिन इसका प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको इसका सस्ता वाला वर्सन चाहिए तो आप पोको X5 को देख सकते हो, क्योंकि Redmi Note 12 5G और पोको X5 5G ये दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम ही स्मार्टफोन है। सिर्फ पोको X5 का डिज़ाइन को चेंज किया गया है और प्रोसेसर को चेंज किया गया है। पोको X5 के अंदर कॉलकम स्नैपड्रैगन 695 देखने के लिए मिलते हैं, बाकी डिटो फोन आपको सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। अगर पोको X5 5G की बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,000 रुपये में मिलता है और 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 17,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको रेडमी का ये फ़ोन पसंद आया है, अगर आप इसे नहीं खरीद सकते, इसका प्राइस ज़्यादा है, तो आप पोको X5 को ले सकते हो, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन एकदम सेम ही है, प्राइस के हिसाब से फ़ोन आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। और हमारे लिस्ट के 6 नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है मोटोरोला की तरफ से मोटो G54 5G। इसके अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 6000mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग, 50MP का मेन सेंसर जो कि OIS सेंसर है, साथ ही में 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। और इसके अंदर प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं MediaTek Dimensity 7020 जो कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, साथ ही में डुअल स्पीकर दिया गया है Dolby Atmos के सर्टिफिकेशन के साथ, मतलब ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा, हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,000 रुपये में देखने के लिए मिलता है, और इसका जो हायर वेरिएंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 19,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए, मतलब एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो इस स्मार्टफोन को देख सकते हो। इसके अंदर आपको बड़ी बैटरी में मिलता है, साथ ही में OIS कैमरा दिया गया है, फोटोज़ की क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, साथ ही में स्टेबल फुटेज मिलेगा, और इसके अंदर प्रोसेसर भी आपको काफ़ी पावरफुल देखने के लिए मिलती है प्राइस के हिसाब से। अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए 17,000 के आसपास 16,000 के आसपास, तो आप मोटो G54 5G को ले सकते हो। और हमारे लिस्ट के 7 नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है मोटो G84 5G। इसके अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं 6.55 इंच का फुल HD प्लस QLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 10-bit पैनल देखने के लिए मिलते हैं, मतलब डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, साथ ही में 5000mAh बैटरी के साथ 33W की चार्जिंग, 50MP का मेन सेंसर जो कि OIS सेंसर है, साथ ही में 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 16MP का सेल्फी। और अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर कॉलकम स्नैपड्रैगन 695 देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही में डुअल स्पीकर Dolby Atmos के सर्टिफिकेशन के साथ और हेडफोन जैक, साथ ही में इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 20,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको एक प्रीमियम दिखने वाला स्मार्टफोन चाहिए, आपको अच्छा कैमरा सेटअप चाहिए, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन अच्छा चाहिए, तो आप मोटो G84 5G को भी ले सकते हो। और हमारे लिस्ट के 8 नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है टेक्नो कैमोन 20 प्रो जो कि 20,000 के हिसाब से एक ऑलराउंडर डिवाइस है। इसके अंदर 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले 120Hz का रिफ्रेश रेट, साथ ही में 10-bit पैनल देखने के लिए मिलता है, 5000mAh बैटरी के साथ 33W की चार्जिंग, 64MP का मेन सेंसर जो कि OIS सेंसर है, साथ ही में आपको RGBW सेंसर देखने के लिए मिलते हैं, मतलब आपको सेंसर की क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर फोटोज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलेगा, वीडियोग्राफी भी स्टेबल मिलेगा, साथ ही में 32MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलते हैं, मतलब सेल्फी कैमरा भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर Dimensity 8050 दिया गया है जो कि 20,000 के अंदर काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, साथ ही में डुअल स्पीकर DTS HD ऑडियो का सर्टिफिकेशन, हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन है, साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका 2 वेरिएंट है, इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आपको 20,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं, और इसका और एक वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ, इसका प्राइस आप डिस्प्ले के अंदर देख सकते हो। और हमारे लिस्ट के 9 नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है पोको X5 Pro 5G। इसके अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 10-bit पैनल देखने के लिए मिलते हैं, मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छा मिलेगा, साथ में 5000mAh बैटरी के साथ 67W की चार्जिंग, 108MP का मेन सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2MP का मैक्रो, साथ ही में 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसके अंदर प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं कॉलकम स्नैपड्रैगन 778G जो कि 20,000 के हिसाब से काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, साथ ही में डुअल स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, Dolby Atmos का सर्टिफिकेशन, हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसके 2 वेरिएंट है, इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं, और इसका जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 22,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं पर इन स्मार्टफोनों में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको 15,000 के अंदर एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए, मतलब ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए,
तो आप ले सकते हो टेक्नो पोबा 5 प्रो को। और अगर आपका बजट 16,000 के आसपास है और आपको एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो आप ले सकते हो मोटो जी 54 5G स्मार्टफोन को। और अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है, आपको अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छा वीडियोग्राफी चाहिए, तो आप टेक्नो कैमोन 20 प्रो को ले सकते हो या फिर पोको X5 प्रो को भी ले सकते हो। और बाकी जितने भी स्मार्टफोन है वो भी अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे डिवाइस है, आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।